शुभांगी, तुम्हारा कोई भी काम समय से पहले पूरा क्यों नहीं होता? हमेशा आखिरी वक्त पर याद आता है तुम्हें। इस तरह तुम खुद भी परेशान होती हो और दूसरों को भी परेशान करती हो। अत्या, ये देखिए, ये मैंने बनाया है। अगर आपके पास सादा कपड़ा है तो मैं उसे चौकोर काट के उनके किनारों को सिल के कपड़े पर कढ़ाई करके ऐसा रुमाल बना सकती हूँ। ये तुमने बनाया है? हाँ, ये सच में बहुत सुंदर है। तारा, ये तो बहुत ही प्यारा है। अरे हाँ शुभांगी, ये तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मेरी तारा सिलाई कढ़ाई बुनाई में पूरी तरह से माहिर है। अब देखो, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। अब मेरी तारा में इतने गुण हैं, मैं कितना कुछ याद रखूंगा। ये कढ़ाई सच में बहुत सुंदर है, औरतों को पसंद भी आएगी, पर समय बहुत कम है। क्या इतने कम समय में तारा 15-20 रुमाल पे कढ़ाई कर पाएगी? अरे इसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो, 15-20 तो क्या, 200 बना देगी मेरी तारा। ये देखो, ये रुमाल देख रही हो? मेरी तारा ने ये देखते ही देखते बना दिया था, जितनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं ना, इतने ही समय में। अरे घर पर बैठ कर ये सब यही तो अभ्यास करती है। फिर तो सोचने की कोई बात ही नहीं है, हम सबको यही देंगे। देखो परी, इसे कहते हैं प्रतिभा, जो दूसरों के काम आ सके। और एक तुम हो जो बस दिन भर चित्रकारी में ही अपना समय बर्बाद करती रहती हो। कुछ सीखो इससे। राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी। काफी रात हो चुकी है और केशव अभी तक वापस घर नहीं लौटा है। वो तो अच्छा है, उसके पिताजी काम के सिलसिले में नगर गए हुए हैं। लेकिन अगर जीवताई को भनक लग गई कि केशव देर रात तक घर से बाहर था, तो वो सरकार के कान जरूर भरेंगी। फिर एक और नया तमाशा खड़ा हो जाएगा दोनों बाप बेटे में। माँ, चलो मेरे साथ। कहाँ थे तुम इतनी देर तक? आजकल बहुत मनमानी करने लगे हो, ना घर पे खाते हो, दिन दिन भर बाहर रहते हो, और अब इतनी रात को लौटे हो। मुझे तो बताकर जा सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुमने सबसे बातचीत बंद कर दी है। किससे क्या बात करूं? केशव, तुम्हें मेरी सौगंध है केशव, सच सच बताना, क्या बात है, कहां रहते हो तुम दिन दिन भर? माँ, क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ क्या कर रहे हो तुम? माँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। आपने अब सौगंध दे ही दिए तो आपको बताता हूँ, मैं और तात्या एक कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। चूंकि पिताजी तो सबसे नफरत करते हैं, पाटिल काका से भी,
तो अब आप ये सौगंध मत दे देना मुझे कि मैं अपने पिताजी के खिलाफ जाकर अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश भी ना करूं। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। ऐसे चौक क्यों गई आप? मैं बस इज्जत की रोटी कमाना चाहता हूं। मैं आपको बेकार में ही सुना रहा हूं। पिताजी की बातें छोड़िए, मैं अपनी बताता हूं। लगभग सारा इंतजाम हो गया है, बस बात इतनी है कि दादा के पास पूंजी है और मेरे पास नहीं। मैंने कर्ज के लिए भी कई लोगों से बात की है और दिन भर उसी में लगा रहता हूं, इसीलिए कभी कभी देर हो जाती है। कुछ बात बनी? नहीं माँ, लोग कर्ज देने के लिए मुझसे कुछ गिरवी रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास पूंजी चाहिए थी ना, ये लो। ये पैसे? ये तो पिताजी के पैसे हैं, काला धन है उनका, अनैतिक रूप से अर्जित किया हुआ। अगर ये पैसे लेकर मैंने अपना कारोबार शुरू किया तो मैं यही समझूंगा कि मैंने अपने स्वाभिमान को भी बेच दिया। नहीं चाहिए मुझे, लेकिन इससे एक बात सिद्ध हो गई कि आप मेरे समर्थन में हैं और उतना ही काफी है। मेरी ममता पे संदेह था तुम्हें केशव, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस यही एक चीज है जो मैं तुम्हें दे सकती हूं, वरना बाकी सब चीजें तुम्हारे पिताजी की दी हुई है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, क्या करूं मैं, कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। Thank you.
दो साई, थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता साई। वही जो मैंने तुम्हें दिया था जब तुम छोटे थे। माएं होती ही ऐसी हैं, ध्यान देने वाली, संभाल कर रखने वाली। वो चीजों को सहेज कर रखना जानती हैं और अक्सर उनकी संभाल कर रखी हुई चीजें जरूरत पड़ने पर काम आती हैं। अब समझ में आया कि साईं उस समय कड़े की बात क्यों कर रहे थे। धन्यवाद साईं, आपने मुझे मेरे बेटे की मदद करने का रास्ता दिखाया। ये तुम्हारे पिताजी का नहीं है। जब तुम छोटे थे तुम्हारे जन्मदिन पे तुम्हारे नाना जी ने ये उपहार में दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम्हारे नाना जी और हमारे पिताजी के रिश्ते बिगड़ गए और उन्होंने ये कड़ा तुम्हारे हाथों से उतरवा दिया। मैंने इसे संभाल के रख दिया था और उसके बाद इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। हर संयोग की बात देखो, आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। ये रख लो तुम। शुक्रिया माँ। दिखने में छोटा है लेकिन भारी है। इसके तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ, जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसको वापस लौटा दूंगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी इतने सारे रुमाल बन गए और उन पर इतनी अच्छी कढ़ाई। ज्यादा तारीफ मत कर, सीख कुछ इससे, तेरा ही भला होगा।
ये वाला मटका कितने का है? ये 60 पैसे। और ये छोटा वाला? 50 पैसे। काका हमें ना बहुत सारे मटके चाहिए। हाँ ठीक है बच्चों, तुम्हें जितने भी मटके चाहिए, एक मटके के 30 पैसे। 30 पैसे? ये लो। आज तो अच्छी बिक्री हो गई। जा वहां पे रख दे। ये ले। हाँ अब देख मेरा निशाना। देखा मेरा निशाना? ये ले अब तेरी बारी। हाँ। अरे 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 ये क्या कर रहे हो बच्चों तुम लोग? मेरी मेहनत से बनाए हुए मटकों को ऐसा तोड़ने के लिए खरीदा था तुमने? हमने इसके पैसे दिए, अभी हमारे मटके हुए, हम चाहे जो करें, आपसे मतलब? तू खड़ा क्या है, तू खेलना। मटके अंदर ले जाओ। ये हमारे मटके, हम ऐसे नहीं देंगे। अगर तुम इन मटकों को रखना चाहते हो तो तुम्हें पूरे दाम देने होंगे। वो तो हम पहले ही दे चुके हैं। हाँ। हर चीज की कीमत केवल पैसों से नहीं आंकी जा सकती। ये एक कलाकार है और किसी भी कलाकार के लिए पैसों से पारितोषिक से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि लोग उनके निर्माण को, उनकी कला को कितना पसंद करते हैं, कितना महत्व देते हैं उसे। सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही कहा साईं आपने। जिस उत्साह से ये बच्चे मुझसे मटके लेने आए थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मेरी कला की इज्जत कर रहे हैं। और तो और मैंने अपने मटके भी इन्हें सस्ते दामों में दे दिया, पर मुझे क्या मालूम था मेरे मटकों का मोल इनकी नजर में मिट्टी के बराबर था। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। तुम्हें नहीं पता कि इन्हें मटके बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दूर जाकर चिकनी मिट्टी लाना, उस पर पानी का छिड़काव करना, फिर उसे चाक पर डालकर मटके का आकार देना पड़ता है। उसके बाद उन मटकों को आग में तपाना पड़ता है, फिर जाकर वो उपयोग के लायक बनते हैं। और तुम उन्हें यूं ही तोड़ रहे हो? साईं, शुक्रिया। हमें माफ कर दीजिए साईं, हमसे गलती हो गई। राम जी भला करें। परी देर हो रही है, चलो अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? मैं तो कब से तैयार हूँ, बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। मेरे पास आ।
वाह, ये हुई ना बात, अब लग रही है मेरी गुड़िया बिल्कुल परी जैसी। आत्या, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई सितारा जमीन पर उतर आया हो। बहुत सुंदर। ये क्या परी, ये तुमने कैसे कपड़े पहन लिए हैं? कैसे से क्या मतलब मामा जी? अभी तो आई और पापा ने कहा कि मैं अच्छी लग रही हूँ। और पता है मामा जी, मेरे पास जितने भी कपड़े उसमें से मुझे लाल रंग वाला सबसे अच्छा लगता है। शुभांगी, क्या तुमने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया? उसे अपने रंग के हिसाब से कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं? इस रंग के कपड़े में तो वो और भी काली लग रही है। और देखो मेरी बेटी तारा को, मैंने उसे सिखाया है कि उस पर कौन सा रंग खिलता है और कौन सा नहीं। वो हमेशा वैसे ही कपड़े पहनती है जिसमें उसका रंग रूप निखर कर आता है। देखिए, परी अभी बच्ची है और क्या फर्क पड़ता है कि वो किस रंग का कपड़ा पहनती है। वो तो बस वही कपड़ा पहनती है जो उसके मन को भाता है। फर्क पड़ता है, दादा ठीक कह रहे हैं। जाओ कपड़े बदल कर आओ, और हाँ हल्के रंग के कपड़े पहनना। लेकिन आई, मैं यही पहनना चाहती हूँ, बाबा लाए थे मेरे लिए। मैंने कहा ना बदल के आओ। नहीं, मैं यही पहनूंगी। आपको ये दिखाई दे रहा है कि मैं इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हूं? ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये अपनी आई की बात को अनसुना कर रही है, अपनी मर्जी चला रही है और जिद्दी होती जा रही है। मैंने इसे कपड़े बदलने के लिए कहा है, और अगर ये अपनी आई की इतनी सी बात नहीं मानेगी तो ये मेरे साथ हल्दी कुमकुम में नहीं जाएगी। परी, अब तुम्हें ये तय करना है कि तुम्हें कपड़े बदल कर चलना है या यहीं घर पर रहना है। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे शुभांगी वाइनी, वाइनी ये इतनी प्यारी बच्ची कौन है? मेरी भतीजी तारा। प्रणाम काकी। प्रणाम काकी। जीती रहो। प्रणाम काकी। खुश रहो। अरे वाह, ये तो सुंदर भी है और संस्कारी भी। परी, वहां खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, बड़ों के पैर छुओ। खुश रहो बेटा। जीती रहो। खुश रहो।
अरे वाह, हमारी परी तो आज बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही हो तुम। धन्यवाद काकी। आई, मेरे कान के झुमके बहुत भारी हैं, दोनों कान दुख रहे हैं। खबरदार जो उतारे थे पहनोगी नहीं तो दर्द तो होगा ही ना, अब पहने रहने की आदत डाल लो। माफ करना मुझे आने में देर हो गई। चलो हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम शुरू करें। हाँ चलिए। बाईजा का पिछली बार मेरी चप्पल ना यहीं से गुम हो गई थी, अगर चप्पल इस बार यहीं पे उतारेंगे ना तो चप्पल की जिम्मेदारी किसी को देनी पड़ेगी। मैं हूं ना काकी, मैं ध्यान रखूंगी। पक्का रख लोगी तुम? सच में? लो फिर तो तुम्हारी समस्या हल हो गई। काम भी चुनना तो चप्पलों की देखभाल का, पागल लड़की बाहर धूप में रहेगी तो और भी काली हो जाएगी। क्या जरूरत है स्वयं सेवक बनने की? दूसरों की उतारी हुई चप्पलों की रखवाली करने के लिए तो यहाँ ही है। यहाँ से हिलना मत, यही कोने में बैठी रहना, और अगर धूप में गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। वहीनी ये कहाँ से खरीदे? बहुत खूबसूरत है, मुझे भी खरीदने। ये बाजार में नहीं मिलेंगे, ये तारा ने बनाए हैं। सच में बहुत गुणवान है तारा। धन्यवाद काकी।
बैठी है तू? चप्पलों की पहरेदारी कर रही हूँ, लेकिन बैठे बैठे उब गए। और परी जब उब जाती है तो क्या करती है? चित्र बनाती हूँ। लेकिन मैं यहाँ चित्र कैसे बनाऊंगी, मेरे पास तख्ती तो नहीं है। पर चित्र बनाने के लिए तख्ती की तो जरूरत ही नहीं है। पर अपने चारों तरफ देखो, सब तरफ प्रकृति ही प्रकृति है। चित्र कहीं भी बनाया जा सकता है, जैसे जैसे पेड़ पर, किसी पत्थर पे, या फिर इस जमीन पर चित्र बना सकती हो। वो तो ठीक है सर, लेकिन उसके लिए खड़िया भी तो चाहिए। ये रही खड़िया। शुक्रिया साई। सुंदर चित्र बनाया है तूने, मगर अगर इसमें रंग भर दिए जाएं, तो ये और भी सुंदर हो सकता है। अब मैं रंग कहाँ से लाऊं साईं? रंग भी तुझे प्रकृति से ही मिलेंगे। आ मेरे साथ। अलख निरंजन साईं।
परी जा वो चूना ले आओ। जी सर। केशव क्या तुम इसे गिरवी नहीं रखना चाहते? रखना तो चाहता हूं लेकिन अंदर जो साहूकार बैठा है वो पिताजी का परिचित है। अगर मैं अंदर गया तो क्या तुम इसे? केशव कैसी बात कर रहे हो? लाओ दो मुझे, मैं अभी आया। इसका मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए दे सकता हूं। ठीक है दे दीजिए। नाम? सामान केशव का है तो मैं अपना नाम कैसे लिखवाऊं? ये तो झूठ होगा। नाम बताओ। केशव। पूरा नाम? जी बस केशव लिख दीजिए। ये लो। जब भी कड़ा छुड़ाना हो मूल के साथ ब्याज दे जाना और कड़ा ले जाना। जी धन्यवाद। लड़का तो शरीफ घर का लगता है लेकिन घबराया हुआ था, अड़बड़ी में पूरा नाम भी नहीं बताया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि माल चोरी का हो? अरे ये तो कुलकर्णी सरकार का बेटा केशव है, मतलब कि। लेकिन इसे कर्ज लेने की क्या जरूरत पड़ गई, वो भी सामान गिरवी रख के, और वो भी खुद नहीं आया अपने दोस्त को भेजा। ताल में कुछ काला लगता है, सरकार से बात करनी पड़ेगी। अब कैसा है साई? बहुत सुंदर है। और जानती है तू, जिसके पास ऐसी प्रतिभा हो उसे कभी किसी तरह का अकेलापन नहीं हो सकता, वो इंसान कभी नहीं उब सकता। राम जी भला करें। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे लोगों का पैर इस पर ना पड़े।
राम जी भला करें। थोड़ा संभल कर। शुक्रिया साईं, आपने समय रहते संभाल लिया, वरना गिर जाती। और इस ना संभल पाने के पीछे क्या चिंता है? अरे, हमारी चप्पलों पे चूना कैसे लग गया? इसने तो हम सबकी चप्पल का हुलिया ही बिगाड़ रखा है। जरा इसकी तरफ तो देखो, इसने अपना क्या हुलिया बना रखा है। शुभांगी, ये देख क्या किया है तेरे बेटी ने, मेरी चप्पल का पूरा सत्यानाश कर दिया है। परी, क्या है ये सब? सबकी चप्पलें खराब कर दी? मैंने तुझे बाहर धूप में आने के लिए मना किया था ना? हर समय शैतानी करना जरूरी है क्या? शैतानी नहीं आई, वो तो मेरा मन नहीं लग रहा था। तुम चुप, एकदम चुप। बहुत बिगड़ गई है, मुझे पता है कि तूने ये सब क्यों किया। मैंने तेरी पसंद के कपड़े बदलवा दिए, इसलिए तूने इन कपड़ों का जानबूझ कर ये हाल बनाया ना। शुभांगी, तुम्हें अपनी बेटी को सुधारने की जरूरत है, इसे ढंग से खाने की जरूरत है। जरा देखो अपनी भतीजी की तरफ। इतनी सभ्य और सुशील है, और दूसरी तरफ तुम्हारी बेटी, इसने अपनी तो दुर्गति की ही है, साथ में हमारे चप्पलों की भी दुर्गति कर दी है। शैतानी उतनी ही अच्छी होती है जिसमें किसी का नुकसान ना हो। अरे, गलती हो गई बच्ची से, इतनी समझ होती इसे तो ऐसा थोड़ी करती। परी लड़की है और लड़कियों को आज्ञाकारी होना चाहिए, उन्हें जितना कहा जाए उतना ही करना चाहिए। और इसे मैं जब भी देखती हूँ ये दिन भर धूप में ही खेलती रहती है। हर दिन धूप में खेल खेल कर इसका रंग और काला होते जा रहा है। शुभांगी, शुभांगी, अभी भी वक्त है, उस पे अंकुश लगाओ, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें ही परेशानी होगी। चल घर चल, आज तेरी मैं अच्छे से खबर लेती हूँ। परी ने इतना सुंदर चित्र बनाया है, ये किसी ने नहीं देखा। साईं, कुछ तो ऐसा होगा ना जो मैं उसके लिए कर सकती हूँ। ना अतीत ना भविष्य, जो है वो आज है, ये वर्तमान। इस वर्तमान को न बीते हुए कल के अफसोस में जाया करना चाहिए और ना ही आने वाले भविष्य की फिक्र में। अगर लक्ष्मी को आपकी सेवा करने से खुशी मिलती है तो उसे अपनी सेवा करने दीजिए। आप ऐसा करने से आप बुरी मां नहीं हो जाएंगी।
आपके किसी अच्छे पुण्य का, किसी अच्छे कर्म का फल है ये। इसका सुख लीजिए, आनंद लीजिए इसका, और उस मालिक का शुक्रिया अदा कीजिए। और वैसे भी कहा जाता है ना कि माता पिता की सेवा से स्वर्ग मिलता है, तो उसे अच्छे कर्म करके, अपनी मां की सेवा करके ये पुण्य अर्जित करने दीजिए। आप सही कह रहे हैं साईं, मैं चलती हूं साईं। राम जी भला करें। चल चल तू, आज तेरी अच्छे से खबर लेती हूँ, सुनती ही नहीं है ना। अभी मैं तुझे सीधा करती हूं। शुभांगी, क्या कर रही हो ये? इसकी अकल ठिकाने लगा रही हूं। मेरी बात ना मानने की इसने कसम खा रखी है। आज मारुति मंदिर के बाहर मैं इसे छांव में बैठा के गई थी, लेकिन इसे तो बस धूप में ही जाना पसंद है। इसने तो वही करना जो मैं इसे मना कर दूं। इधर देख, देख तेरा खुद को क्या हालत बना ली है अपनी। मना किया था ना कि धूप में बाहर मत जाना। एक तू है और एक ही तारा। देख, देख उसे और देख खुद को, कितनी काली हो गई है। क्यों तिल का ताड़ बना रही है? बच्ची है, और ऐसा क्या पाप कर दिया है इसने? जीजा जी, शुभांगी जो कर रही है परी की भलाई के लिए कर रही है। कभी आपने सुना है कि बूढ़ा तोता पोज मानता है? नहीं ना। लड़कियों को उनके बचपन से ही आज्ञाकारी बनाने की जरूरत है। सबके आदेश को सिर झुकाकर पालन करें, वरना भविष्य में बहुत दिक्कत आ जाती है। विवाह नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो परेशानियां बनी रहेंगी, और फिर दुनिया तो यही कहेगी ना कि माँ बाप ने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए। अच्छा एक बात बताइए आप, क्या आपकी बेटी को घर के काम आते हैं? ये इस कलाकार से फुर्सत मिले तब ना। समय कैसे बर्बाद करना है कोई परी से पूछे। मैं भी देखती हूँ अभी कैसे करती है कलाकारी। आई भिक्षाम देहि,
रखो। राम जी भला करे। यनाज की गोनी आई ने माघ पूर्णिमा के दिन दान देने के लिए कही थी। आज पीछे पड़ गए कि इसे दे दे या ना, लेकिन हमें सबसे पहले छावनी के भोजन प्रबंधक से मिलना है। चलो। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। व्यापार कैसा चल रहा है तुम लोगों का? आपके आशीर्वाद से सब अच्छा है। हम आज छावनी जा रहे हैं खान पान विभाग के प्रमुख से मिलने। अगर उसने हाँ की तो काम शुरू। श्रद्धा और सबूरी रखना तुम तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इस संसार में तरह तरह के लोग होते हैं और सभी को अलग अलग हालात से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग तनाव में भी होते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो अपनी झुंझलाहट, अपना गुस्सा, अपनी भड़ास ये दूसरों पर निकालने लगते हैं। पर भले ही कोई तुमसे अच्छा व्यवहार ना करे, बुरे से पेश आए, पर तुम शांत रहना। सबसे अच्छा व्यवहार करना तुम। एक बात याद रखना, प्रेम से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जी। साहब मैं भी जाके पता करता हूँ वो ठेकेदार सब्जी लेके क्यों नहीं आया। हाँ पता करो, वो पैसा लेने के लिए सबसे पहले आ जाता है और सब्जियां पहुंचाने में सबके बाद में। अरे उसकी इसी गलतियों की वजह से रोज खाना ठीक से नहीं बन पा रहा है और फौजी हर रोज मेरा सर खाते हैं। साहब क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या काम है, कौन हो तुम? सर हम होलसेलर्स हैं, सब्जियों की सप्लाई करते हैं और आपके इस कैंटमेंट में भी हम सब्जियां सप्लाई करना चाहते हैं। तुम दोनों तो बच्चे हो, दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे तुम्हारे और बिजनेस करने चले हो, वो भी अंग्रेजों की छावनी में। खेलने की उम्र है, जाके खेलो, मेरा समय बर्बाद मत करो। हम इसे इतनी इज्जत दे रहे हैं और ये हमारी बेइज्जती करते जा रहे हैं। चलो केशव, ये आदमी सही नहीं है, हम कुछ और ढूंढते हैं। सबूरी तात्या, याद है आते वक्त हमें साईं ने क्या समझाया था? हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, किसी के ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस अपने संकल्प को पूरा करने पे दृढ़ रहना है। देखिए हम उम्र में छोटे जरूर हैं लेकिन हमारे इरादे बुलंद हैं, हम में जोश है, उत्साह है, एक बार मौका तो दीजिए। मैं इतना जानता हूं कि आपको पछतावा नहीं होगा। इन्हें एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे 200 लोगों के खाने के लिए सब्जी बनानी है। हमारा सब्जी वाला ठेकेदार अब तक सब्जी लेकर आया नहीं है। मेरे पास कल की बची हुई सब्जी है जिससे सिर्फ 50 लोगों का काम चल जाएगा, बाकी 150 लोगों के लिए अगर तुम एक घंटे के भीतर
सब्जी ला सकते हो तो कल से सब्जी का ठेका तुम्हारा। और अगर नहीं कर पाए तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मंजूर है। ठीक है। बाग में मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि परी अब आएगी, अब आएगी, हमें दाना पानी देगी। लेकिन मैं कहीं नहीं जा सकती क्योंकि अभी तो धूप है ना, और आई ने धूप में जाने से मना किया है। दुख वो धूप है परी, जिसमें तप कर हम सब और भी निखर जाते हैं। उसकी लीला ऐसी है कि इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है, हम सब जुड़े हैं एक कड़ी से। इसलिए तेरा भी दुख या सुख, उसका दायरा केवल तुझ तक सीमित नहीं है। कोई इंसान जब सुख या दुख की लहरों में बहता है, उसमें गोते लगाता है, तो उसके छपाके पूरी कायनात पर पड़ते हैं।
जानता हूं तुम सब प्रतीक्षा कर रहे थे परी के आने की, पर आज वो नहीं आ सकी, इसलिए आज तुम्हारी बारी है उसके पास जाने की। जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। रुको, मैं अभी तुम सबके लिए दाना लाती हूँ। परी रसोई में भागते हुए गई है, जरा देखो तो क्या उधम मचाने वाली है। परी, ये ज्वार क्यों निकाल रही है? पक्षियों को खिलाने के लिए। मैंने मना किया था ना कि बाहर धूप में नहीं जाना है। आई, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, पंछी खुद आए मुझसे मिलने। सत्यानाश, पूरी रसोई में ज्वार फैला दी, और रसोई में ही नहीं पूरे घर में ज्वार फैला दी है। आकर बाहर देखो जरा, आओ। ये देखो, ये तो अनाज की सरासर बर्बादी है। घर की खेती तो है नहीं कि जो बर्बादी हो और बर्दाश्त हो जाए, बाजार से खरीदना पड़ता है ना, और पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं जो इतने महंगे अनाज को पक्षियों को खिलाकर बर्बाद कर रही है। अशुभांगी, अगर इसकी यही हरकत रही ना तो ससुराल में जाकर भी ये ऐसे ही बर्बादी करेगी।
क्या ससुराल वाले ये सब बर्दाश्त कर लेंगे? एक ही दिन में धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे इसे। परी को जरूरत है कि वो ये सीखे कि लोगों को कैसे खिलाया जाता है, और ये पक्षियों को खिलाना सीख रही है। तुमने इतना डांटा उसे, और वो भी आज ही, लेकिन एक शिकन तक नहीं है उसके चेहरे पर। खाओ खाओ। उसने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जानती हो? ढीठ ढीठ हो गई है तुम्हारी बेटी।